Finally, we all are going. Hello, hello. So yes, off we are to Dubai. लेकिन ये दुबई वाला व्लॉग नहीं होगा. This would be about how we are traveling. क्योंकि दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और दोनों मतलब बहुत बड़े हो गए हैं. हाँ देख लीजिए बहुत बड़े बड़े बच्चों के शक्ल ये है. देखो बहुत बड़ी बच्ची का एक शक्ल और दूसरी बहुत बड़ी बच्ची का एक शक्ल और ये तो एकदम सबसे छोटी वाली. तो बड़े बड़े बच्चों का आपने देख लिया सब बड़े हो गए हैं. तो अब ये लोग कैसे फ्लाई करते हैं. सो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिप टू दुबई. फिर दुबई से हमारा फ्लाइट है. दुबई में हम लोग 3 दिन रुकेंगे. उसके बाद हम जाएंगे स्विट्जरलैंड. तो ये सिर्फ हमारा फ्लाइट वाला ब्लॉग है. हम उतरेंगे. चलो लियाना वेयर आर वी गोइंग. दीक्षा वेयर आर वी गोइंग. सो हम लोग रेडी है और इस बार हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एमिरेट्स से. एमिरेट्स से बिजनेस क्लास ट्रैवल करने का फ़ायदा ये है कि आपको घर से पिकअप करने के लिए गाड़ी आ जाती है. तो हमें 2 गाड़ी की ज़रूरत पड़ी थी. तो एक गाड़ी में लगेज था और एक गाड़ी में हम लोग. सो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है. हाँ ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है लेकिन यू नो दुबई में भी हम लोगों को गाड़ी मिल जाएगी जो हमें हमारे वहाँ के डेस्टिनेशन में ड्रॉप करेगी और फिर वापस से पिकअप करेगी 3 दिन के बाद. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. तो अभी थोड़ा सा चेक इन वेक इन कर लेते हैं. पता चले उसके चक्कर में कुछ ना कुछ छूट गया तो मुश्किल. इस बार ऐसा मैं होने नहीं दूंगी. तुम चल चल के जा रहे हो. आप लोगों से बात करते करते मैं यही भूल गई थी. सो दिस इज द बेबी कैरियर जो मैं यूज करती हूँ. हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर एंड इट फील्स सो गुड. चेकिंग के बाद आएगा. ये सिर्फ ये लगा हुआ है इसको थोड़ा. ओह वेल हम दोनों इधर है. चीकू और पीकू बहुत बड़ी हो गई है. वो भी चल चल के जाएगी. बाप रे लिया ना. अच्छा ओ दो जन का हाथ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रैवल एजेंट हूँ. इतने पासपोर्ट्स इतने पेपर्स जमा करते करते. मम्मी बोल रही है देखो लग रहा है बंदर का बच्चा ऐसे पकड़ के रखी है. और फिर मम्मी ने ये भी पूछा मुझे तकलीफ तो नहीं हो रही है. मैंने बोला आज मुझे समझ में आ रहा है. पता है मैं जब छोटी थी मेरा स्विमिंग क्लास होता था सुबह 5 बजे. मम्मी 4 बजे उठ जाती थी. उठ के मेरा सारा सामान रेडी कर देती थी. गर्म पानी रेडी करती थी. सब कुछ रेडी शेडी करके फिर मुझे मम्मी उठाती थी. और मैं मतलब दया कर देती थी स्विमिंग क्लास में पहुंच के. तो आज मुझे समझ में आ रहा. मुझे लगता था मम्मी ही कर सकती. मैं तो कभी ऐसे नहीं कर सकती. लेकिन व्हेन यू बिकम अ मदर आई थिंक एक नया इंसान का जन्म होता है. तो मैं भी कैसे रात को कम सो के भी या नहीं सो के भी सुबह उठ जाती हूँ और थकती नहीं हूँ. टच वुड आई ऑल्सो डोंट नो. मैं खड़ी हूँ एक जगह पे बकबक कर रही हूँ तो बोर हो रही है मैडम. तो इसीलिए. पर ये मैडम बहुत बड़ी हो गई है बाबा. शी इज़ ऑन हर स्प्री टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. व्हाट आर यू डूइंग पीनी. व्हाट आर यू डूइंग पीनी. Oh my God! Who are these cutie pies? Who are these cutie pies? देखो तुमको मिलना ही था बिंदु. इसीलिए हम एयरपोर्ट में मिल गए. Hi. Pino से हाँ. Hi. Pino. Dubai. Dubai and then to Switzerland. Hi. First trip. Nervous and excited. Really fun. So we met Bindu at the airport. One kiss.
She's become a big girl now, so she's afraid. Oh my god. But you have a daughter, no? Yes. How it is to like to she's feel? She's 16 years old. मैंने कहा मिलना ही था तो एयरपोर्ट पे मिल लिए। Yes, अच्छा। Oh, साथ मेरा सेम फ्लाइट में। चलो, चलो सुपर। अरे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रही हैं? She's on the exploration. This one is. So we are traveling with family 1, 2, 3, 4 and 5 bags. Not bad for so many of us. बच्चे अच्छे के साथ सिर्फ 5 bag, I think is we have done a good job. Can you hear the birds? Birds! Birds, Pini! Go catch! The bird is standing. See, Mama is going to the bird. Bird, bird! बाय बाय टाटा गुड बाय गया ओके बाय लियाना बाय बाय ओके बाय 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 लियाना टाटा हमारा जड़ आ जाएगा दूसरे लोग आके चेक इन करके अंदर फ्लाइट में जाके बैठ भी गए होंगे और गुरु अभी भी चेक इन पे चेक इन ही किए जा रहे गुरु इतना टाइम क्यों चलो हम पहुंच गए हैं ऑल लेट्स गो टू द डिपार्चर मैंने जो इस बार यू नो बच्चे का जो डायपर बैग बनाया बहुत ही कॉम्पैक्ट उसमें लिया है 5 डायपर दोनों बच्चों के लिए 1 डायपर बैग 5 डायपर 2 पानी का बॉटल 1 चिकी शू का 1 पिकी शू और थोड़ा सा दूध और ओट्स वाइप्स 1 चेंजिंग मैट और क्या लिया डायपर बैग में 2 एक्स्ट्रा कपड़ा फ्रूट्स एंड नथिंग एल्स सुबह से मैंने दिखाया नहीं मैं कि मैं लग कैसे रही तो मैं ऐसी और ये हम उड़ चले उड़े नहीं अभी भी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं किरण किधर है किरण हाय क्या देखने देखे और यहाँ पे चाचू भी बैठे चाचू आया ही हूँ आजा बैठे कितने सालों बाद मिल रहे हैं लास्ट ये दोनों पैदा नहीं हुए थे उससे पहले भी शादी नहीं हुई थी बहुत बार मिले हाँ शादी से पहले से हम इसको को जानते हैं बहुत सारी टिप्स आपसे लिए मैंने शादी के लिए Liana is seeing aeroplane for the first time. So this is the Emirates lounge that we are sitting in. क्या है यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं मम्मी तब से चिकिशू को सब कुछ खिलाई जा रही है जो मर्जी और ये खाए जा रही है हो गया तुम्हारा खाना माँ दियो ना बड़ो एक खाना बाइट खोचत पूरे मुखे नहीं लेवे बहुत ही बीची बीची हम लोग ये थोड़े इडली जो नहीं खाए मैंने सोचा था लियाना खाएगी पर नहीं खाए लियाना को ऑलिव्स पसंद है तो उसने काफ़ी सारे ऑलिव्स खाए और चिकिशु ने खाया ये पोंगल और यहाँ पे पॉरेज था पॉरेज भी पॉरेज और खाबे ना मम्मी लेकिन ज़बरदस्ती ट्रस 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 के खिला रही है तब तक खिलाएगी जब तक चिकिशु को खाने के नाम से नफ़रत हो जाएगा मैंने खाना खा लिया है और शपथ लिया है कि इस पूरे ट्रिप में मैं हेल्थी खाऊंगी ताकि मैं जो वज़न लेके जा रही हूं जो कि 70 केजी है मैं एटलीस्ट 65 केजी करके वापस आऊंगी क्योंकि मेरे पास फ्री का 2 लोड है जो मुझे उठाना पड़ेगा प्लस 5 बैग है
प्लस मेरी मम्मी है जो मतलब हिलती नहीं है, जगह से बैठे बैठे बोलती ये लो ये लो ये लो, ये क्या है, बोल रही कि लोग निंदा करेंगे मैं से आप बोलूँगी तो, क्या आप निंदा करेंगे, तब से हिले ही नहीं। यहाँ जो आके मम्मी बैठी, एक बार इधर से एक बार उधर से, क्यों नहीं हिली, क्योंकि अभी उसको लेके आई हूँ गोदी में। He's coming to see your diaper. एक जन का डायपर चेंज हो गया, अभी दूसरे की बारी है, दूसरी पता नहीं कहाँ गई। ले लो इसको प्लेन देखा, उसको नीचे रखो, उसको उसका डायपर चेंज होगा। अब तक लाउंज हमें लगता था यू नो रिलैक्सेशन, अभी लगता है काम ही काम। ये बहुत रिलैक्स ये कर रही है अभी। तुम प्लेन दिखा रहे हो चिकिशु का, तब तक मैं डायपर चेंज करा के लगता हूँ। चलो सोलिंग, ये हमारी छोटी सी डिविशा है। और ये लिया ना है कि एक जगह पे बैठती नहीं है, और दोनों का डायपर चेंज करा के मैं हो गई हूँ थाकी थाकी। ये तो बैठी रहती है, लेकिन लियाना नॉन स्टॉप, अगर आप देख सकते हो यहाँ से इधर कहीं पे, वो एरोप्लेन देख रही है, घूम रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। उसके लिए बस एक इंसान को ऑलवेज अप ऑन द टोज होना पड़ेगा, वो हम पाला कर कर के करते, क्योंकि उसकी एनर्जी के साथ एक इंसान के प्रति लिए पॉसिबल नहीं होता है, ना पापा मम्मी नानी। तो प्रोनाइका फ़िलहाल देख रही है, और मम्मी गई है फुट मसाज करने। तो ये लियाना है। या लियाना, हे दिस इज लियाना सेल्फी फेस। जब भी हम बोलते लियाना सेल्फी, लियाना सेल्फी, लियाना स्माइल। तो एमिरेट्स लाउंज में यू गेट अ फ्री मसाज, सब लोग मसाज ले नहीं सकते, क्योंकि विथ टू किड्स ऑल ऑफ अस कैन नॉट टेक अ मसाज। तो मम्मी गई है बेचारी मसाज करने, मम्मी के मैं बहुत पीछे लगती हूँ। गुरु अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि गुरु नॉन स्टॉप ध्यान दे रहे थे। मैं इसके साथ बैठी हुई हूँ थोड़ी देर, इसका ध्यान फुल इस कॉफ़ी में है, कभी भी इस कॉफ़ी को झपट्टा मारेगी तो मेरा एक ध्यान इधर है, और उधर प्रोनाइका लियाना को लेके इधर वॉक 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 कर रही है। सो ऐसा ही कुछ था हमारा लाउंज विजिट। इसके बाद हम फ्लाइट में बैठ जाएंगे, और 3 घंटे का सफ़र यूं ही नहीं निकलेगा, एक एक मिनट का एहसास दिला के निकलेगा। यार मुझे तो एक्चुअली जब भी इससे पहले ट्रैवल किया है तो काफ़ी खुशी हुई है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि फट रही है, मतलब टेंशन इस बात का है कि दोनों बच्चे वो ख्याल रखें अपना और हम उसका ख्याल रख पाए। तो अभी कुछ भी इन्जॉय करने से पहले मुझे 2 बार सोचना पड़ रहा है कि लियाना डिविशा सब सही है कि नहीं। आई होप हमारा ट्रिप जो है दुबई तक का, उसके बाद जो आगे का है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी थोड़ा शायद एक बार पहुँच जाए तो खूब इन्जॉय करने वाले हैं, लेकिन तब से पहले तो मेरी फट रही है। हम लोग दुबई जा रहे हैं 3 दिन फ़िलहाल, और मैं कोशिश करूँगी सब कुछ मैं बैक टू बैक और क्विकली वीडियो डाल सकूँ। अगर कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, तो मुझे लिख के भेजिए, बिकॉज दिस ट्रिप इज अस टुगेदर, आवर्स टुगेदर। तो बाहर हमारा बग्गी फिर से वेट कर रहा है, अब मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। मेरे हाथ में दोनों ही बच्चे नहीं हैं, एक बच्ची यहाँ है। अलविदा अलविदा अलविदा, ऐसे गाना मैं तो गा रही हूँ, है अलविदा मुंबई। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं, फॉलो अस। टॉयज कहाँ गए उसके? अंदर ही है। इसके? इसके? उसके अंदर कहाँ है? निकल दूँ?
क्या निकाल दो? वही आया एक हां निकाल दो सब ना, एक एक जन के लिए आना के लिए एक टॉय निकाल दो, वो बेबी शार्क निकाल दो, रियाना का बेबी शार्क निकला। Are they synchronized? Do they actually sleep at the same time and we eat at the same time? Everything is no. Twin boys. Oh. Boys must be more. I had an elder sister. How do you say it? She is adorable. Place the mask over your face. So I met him. What's your name? Ala. Allah. Oh, and even he has twin sons, so he can clearly empathize with me. Oh yes, it's big time. Take off हुआ भी नहीं, लेकिन दूध बनाते ही इसको दूध भूख लग गई। क्या करें? पिला दो। मैं तो आराम से भी क्या करूँ, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों बच्चों को तुम लोगों ने संभाल लिया। मैं थोड़ी देर में तुमको, मैं अपने आप को संभालता हूँ, ठीक है? So, ये मेन्यू है। These are all the cocktails, mocktails, whatever. Let's see the food. Where's the food menu? Seafood meal. So, my name is Ala. I'm the flight purser. It's a pleasure to have you with us. Welcome aboard. Thank you. Cheers. You're welcome. So, Ala had been like really helpful. उनके ट्विंस बच्चे हैं, तो इसीलिए वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि दो बच्चों के साथ यू नो ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको ज़रूरत है तो पीछे से इकोनॉमी सेक्शन से आपके नानी को हम बुला देंगे यहाँ पे, और जब फ्लाइट लैंड होगी तभी भी हम बुला देंगे। और इस गुंडी को देखिए, इसके आँखों में नींद तो है ही नहीं, ये जागरण करती रहती है और नॉन स्टॉप इतनी एक्टिव है। लेकिन उसके इस एक्टिवनेस के लिए एक एक जन को पाला कर करके संभालना पड़ता है। हम लोगों ने खाना ऑर्डर दिया, यस सॉर्टेड। अभी बस खाने पे मिलते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा खाना दिखा दूँ। यहाँ पे एक पिज़्ज़ा ब्रेड दिया है, यहाँ पे सामन दिया है, दिस इज़ स्मोक सामन, केक, एंड दिस इज फिश एंड प्रॉन्स एंड टू पोटैटो। और ये पोटैटो मैडम खा रही है, पोटैटो। मैडम अभी सो रही थी, मैडम उठ गई और दूसरी मैडम सो गई है, और जो पीछे एक सीट खाली है तो उधर हम लोगों ने सुला दिया। और प्रणय का उसके बाजू में उसको पहरा दे रही है। मम्मी इज हैप्पी, वेरी टेस्टी, सॉफ्ट। मम्मी इज अ ब्रेड फैन। मैं जितना बोल रही हूँ ब्रेड नहीं खाना, मम्मी को ब्रेड खाना है। और आप भी बताइए, मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जो ब्रेड के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं। तो जो ब्रेड के फैंस हैं मेरी मम्मी जैसे, मुझे लिख के भेजिए। तो ये जो पोटैटो है, बॉयल पोटैटो है, तो यू नो कॉन्टिनेंटल फूड लेने का ये एक प्लस पॉइंट है कि जो भी खाना है सब उबला उबला हुआ है, तो बच्चे खा सकते हैं। लियाना भी ये खा सकती थी, लेकिन थैंकफुली वो सो गई है, और उसके लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे पहुंचेंगे मुझे पता है पूरा दिन वो जगी रहेगी। A few hours later. फाइनल अपडेट ये है कि ऑलमोस्ट हम लैंड करने वाले हैं। द फ्लाइट वॉज फैंटास्टिक, तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं हुआ बिकॉज लियाना पूरे टाइम सो रही थी और अभी भी सो रही है। चिकिशु सो तो नहीं रही है पर लेटे हुए हैं, और मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को वक्त पे वीडियो मिल जाए। कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को बताती जाऊँ, कीप यू अपडेटेड, कीप यू इन्फॉर्म्ड, सो दैट एंटरटेनमेंट तो होते ही रहे। प्लस अगर ये वीडियो देख के किसी को मोटिवेशन मिले कि हाँ ये ट्रैवल कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर पाएंगे, तो व्हाई नॉट। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ।